प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर विषय बच्चे और बचपन, जिसमें एक हम पढ़ रहे थे श्री बाल विकास के परिप्रेक्ष्य। बाल विकास की परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हमने कल के वीडियो व्याख्यान में हमने पढ़ा था वातावरण का अर्थ, वातावरण शब्द का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें वंशानुक्रम से संबंधित। उसी प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ते हैं कि बालक पर वातावरण का प्रभाव। इस पर टॉपिक क्या है हमारा आज का, कि बालक पर वातावरण का प्रभाव। इस पर बालक पर वातावरण का प्रभाव, ये हमारा आज का एक हेडिंग है, ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि बालक के वातावरण का प्रभाव कैसे रहता है। तो एक इसकी थोड़ी भी भूमिका मैं समझाऊंगा इस टॉपिक के बारे में, बालक के वातावरण का प्रभाव के ऊपर, कि वातावरण के महत्व के संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, निरीक्षण किया और इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहल पर या प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव रहा। मतलब हमारे एक वातावरण की भूमिका में बताया कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर इसीलिए यह महत्वपूर्ण बताया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहल पर, प्रत्येक हिस्से पर भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा है। जो भारतीय मनोवैज्ञानिक को अध्ययनों के द्वारा मालूम पड़ा है, क्या मालूम पड़ा है कि इन सबके अभाव में बालक के व्यक्तित्व पर किसी न किसी रूप में उसके प्रभाव पड़ता है। जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो पहला पढ़ेंगे हम प्रभावी पढ़ेंगे कि प्रभाव क्या है। तो प्रभाव में पहला पॉइंट आएगा हमारा में वो है शारीरिक अंतर पर प्रभाव। कौन सा अंतर पर? शारीरिक अंतर पर प्रभाव। शारीरिक मतलब होता है शरीर से, शारीरिक अंतर पर प्रभाव। हमने देखा है कि विश्व के एक हम पूरा विश्व हम पढ़ चुके हैं, जिसमें अनेक प्रकार की जनजातियां, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जो अपने वातावरण के अनुसार वहाँ की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैसे विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के शरीर में भिन्नता या विभिन्नता देखने को हमें मिलती है। इन विभिन्नता के कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। कैसा है? इन सभी का जो भिन्नता पाई जाती है वो वंशानुक्रम न होकर वातावरण के अनुसार होता है। जैसे एस्किमो जनजाति आपने पढ़ी होगी, तो एस्किमो जनजाति का जो हमारा रहन सहन है वो बर्फ वाले इग्लू के घरों में रहते हैं और सिर्फ मछली का शिकार करते हैं।
उसी प्रकार हम अगर राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान के अंदर भी हमारी तीन प्रकार की जनजातियां हैं, भील मीणा और ग्रासिया। तो भील मीणा जो ग्रासिया हैं, तो इन तीनों की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, पहनावा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल, क्योंकि उनकी शारीरिक भिन्नता वातावरण के अनुसार है, क्योंकि अधिकतर अपने वातावरण के अनुसार इंसान अपने आप के परिवेश को चेंज करता है, बदलता रहता है। क्योंकि जैसे इसने कहा है, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है, फ्रेंच वॉश ने कहा है कि जापानी, यहूदी, अमेरिका में पीढ़ियों से निवास करने वाले लोग, उनकी भौगोलिक वातावरण के कारण उनकी लंबाई बढ़ रही है। उसी प्रकार हमारे इस क्षेत्र में राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा, इसमें यहाँ देखते हैं तो इन लोगों का शरीर की जो बनावट हम देखते हैं, शारीरिक बनावट देखते हैं, तो 7-7 फीट, 8-8 फीट और हष्टपुष्ट होते हैं, ये बलशाली होते हैं, अपनों को तो गोद में उठा ही सकते, इतना बड़ा उनका एक व्यक्तित्व है, शारीरिक है, क्योंकि वातावरण जितना अच्छा होता है खान पान उतना ही अच्छा मिलेगा। फिर सेकंड नंबर जो आता है बड़ी किसी के ऊपर, वह है मानसिक विकास पर प्रभाव, मानसिक विकास पर मानसिक मतलब मस्तिष्क, वातावरण का मानसिक विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सचमुच वातावरण के अभाव में मानसिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। जैसे आप कभी भी कहते हैं कि आज से अभी हमारा इस समय जो वर्तमान समय जो चल रहा है वो गर्मी का मौसम है, और भी गर्मी के मौसम में अगर व्यक्ति को तापमान उसकी क्षमता से अधिक मिलता है, अधिक वो सहन कर रहा है, तो उसका दिमाग जो है मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। उसको खुले वातावरण चाहिए, बंद पैक के अंदर तो आदमी हुटन से मैसेज करता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ से कब निकलूं। तो मानसिक विकास पर, मानसिक जो विकास है उस पर वातावरण का भी बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के बालकों का उदाहरण दिया जाए तो नगरीय बालकों की अपेक्षा ग्रामीण बालकों की योग्यता का विस्तार बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ खुला वातावरण तो है, वहाँ खुला वातावरण के जो पढ़ाई करने का जो माहौल होता है वो बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल न होने की वजह से वहाँ का बालक जो है वो पिछड़ा हुआ पिछड़ता ही जाता है, और शहरी जो लोग हैं वहाँ का वातावरण उस प्रकार के डेवलपमेंट में उस एजुकेशन से संबंधित रखते हैं। आप कहीं भी जाइए उससे संबंधित ही बात होती है, एजुकेशन संबंधित कि हमें पढ़ना क्या चाहिए। फिर इसमें एक वैज्ञानिक ने लिखा है, गार्डनर ने लिखा है कि नदी के किनारे पर रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके पाया गया है कि बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के लिए अच्छे प्रभावों से दूर है, क्योंकि जो व्यक्ति नदी किनारे रहकर उसका एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित जो विकास नहीं हुआ है तो वो अपने विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। कि कहने का मतलब है कि इन बच्चों का मानसिक विकास यथोचित हो सकता है, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको परिवर्तित कहते हैं। कहते नहीं कि एग्जाम्पल होता है, एक गधा होता ना, गधा डंक की बोलते हैं उसमें, तो उसको हम कितना भी निगाह देवे, प्यार कर दे, लेकिन उसकी जो आदत है मिट्टी में लोटने की, राख में लोटने की, वो उसकी आदत कभी जाने वाली नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार से जो व्यक्ति पढ़े लिखे वातावरण में रहता है उसका वातावरण पढ़े लिखे व्यक्ति के समान होता है, और जिस व्यक्ति की ये वातावरण पढ़े लिखे माहौल में नहीं आता है वह आप चाहे कितना भी उसे उस वातावरण में डालने की कोशिश करें वो कभी नहीं ढल सकता, क्योंकि उसको उस वातावरण में रहना ही नहीं है। तो वातावरण का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन के अंदर। कहते हैं कि जिस प्रकार की हमारा वातावरण
जन्म अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत जिस अवस्था में हम रहते हैं उसी अवस्था के अंतर्गत हम सीखने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस वातावरण में ढलने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं, हमें उसके अनुसार जीना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़े हैं कि वो है बालक पर वातावरण का प्रभाव, जिसमें हमने दो चीज पढ़ी है, शारीरिक अंतर का प्रभाव और मानसिक विकास पर प्रभाव। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले टॉपिक के अंदर इसी प्रक्रिया से जो आगे आएंगे ना बिंदु, उसको समझेंगे। आप अपनी नोटबुक के अंदर बच्चे और बचपन के अंदर इस तीसरे पार्ट के जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन तो हमने लिख चुका है बहुत सारे, ऑनलाइन के माध्यम से आप अपने नोटबुक के अंदर जरूर उठा रहे क्योंकि इसी प्रकरण के माध्यम से, इसी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपका अंतिम मूल्यांकन होने की संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आप अपने नोटबुक के अंदर नोट करें। आगे वाले जो प्रोसेस जो होगा हम और आगे बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।